संपत्तियों की आपने चर्चा की कि अनएक्सपेक्टेड तो किया ही गया है, ये हर जगह पे किया गया। और मैं ये बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का समझौता, मैं ये अभी कह रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये ऐसा दिखाई देता है कि ये समझौता भी करवाया गया। वो सीटें नहीं निकाल रहे कोई भी, केवल अभय सिंह चौटाला सीट हार जाते हैं। वो केवल इसलिए आ रहे हैं, जब लोगों को ये पता लग रहा, लोगों को ये पता लगा भी ये बीजेपी की प्लान के अंतर्गत आ गए हैं। बीजेपी को अवश्य फायदा हो गया, बहुजन समाज पार्टी और इन दोनों का समझौता आपस में हुआ, वो हर जगह पे वोट उन्होंने काटे, स्वयं की सीट वो लूज करके उनका बेटा जीत रहा है। इसी प्रकार जेजेपी का समझौता करवाया गया भीम आर्मी वालों से, तो वहाँ भी यही था। फिर ये दलित की बात उठाई गई, दलित के साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये सारा, और फिर पैसे का खेल करने के बाद, और फिर जहाँ पे जिस जाति के वोट थे वहाँ से कुछ आज़ाद उम्मीदवार, देखो इलेक्शन हर कोई लड़ना चाहता है, और इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग की गई होगी। अब किसने की होगी ये हमारे पास इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन फंडिंग आज के दिन कौन करेगा। तो ये इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी, ये जो नतीजे आ रहे हैं ये नतीजे हमें चौंका रहे हैं। अगर ये नतीजे 1 बजे तक ऐसे रहते हैं तो ये उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ ये नतीजे बदलेंगे और ये जस्ट उल्ट जा सकते हैं। अगर बीजेपी 35 सीट भी ले जाती है, बीजेपी 35 सीट भी हमारे लिए बहुत बड़ा चंबा होगा, वो उनकी गेम प्लान है, उनके पास जो कुछ है। लेकिन क्षेत्रीय दलों का, इनेलो का बुरा हाल हुआ है, जेजेपी का हुआ है, आम आदमी पार्टी का हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का हुआ है, यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट भी, जो बात हम कर रहे थे 7-8-6 जीतेंगे, 4 इंडिपेंडेंट केवल जीत रहे हैं। तो देखते हैं आशीष जी क्या होता है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी प्लानिंग में कामयाब होती दिखाई दे रही है, अब तक के जो नतीजे हैं उसमें। पंडित साहब और दे दूं, जो जिन पे थोड़ा सा लगता है वो सीटें लगभग क्लियर लग रही हैं, उनमें से ये है, डबवाली में पहले पीछे चल रहे थे कांग्रेस, लेकिन अब वो 7582 वोटों से आगे हैं। 7582 वोट से आगे होना, इसका अर्थ ये है भी ठीक ठाक लीड है। और उकलाना में नरेश सेलवाल 12621 से आगे हैं। गोकुल सेतिया को हमने पहले बता दिया डबवाली से, कालावाली से। शीशपाल केरवाला 15397 वोटों से आगे हैं। कांग्रेस के ये सभी हैं। और ये आपको 5700 वोटों से अभय सिंह पीछे हैं, और 5000 के लगभग वोटों से रानिया से अर्जुन चौटाला। सिरसा की 4 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं और 1 सीट इनेलो को जा रही है। और